गाइस वेलकम बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। मैं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आप सबका वेलकम करता हूँ गुरु फॉर यू चैनल पर। तो आज हम फिर से एक फेवरेट वीडियो के साथ हाजिर हैं जिसमें मैं बात करता हूँ नेक्स्ट ईयर में आने वाली बाइक्स के बारे में। तो आज हम बात करेंगे होंडा सिटी ड्रीम 70 2022 के बारे में कि 2022 में हमें क्या क्या चीज़ें उसमें चाहिए, क्योंकि गाइस ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ ये आप लोगों के कमेंट्स से भी काफ़ी चीज़ें लेता हूँ और हम यहाँ पर कंपनी से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये चीज़ें लॉन्च की जाएँ। और मैं आपको अपनी एक्सपेक्टेशन भी शेयर करता हूँ कि भाई कौन सी चीज़ें 2022 में लॉन्च होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे सिटी ड्रीम 70 के बारे में 2022 मॉडल के हवाले से। तो उससे पहले अगर चैनल पर पहली दफ़ा आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। सो गाइस यहाँ पर जो है वो आपको मैं सबसे पहले कुछ कलर्स दिखा रहा हूँ। आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आप कौन सा कलर चाहते हैं कि 2022 के अंदर हमें दिया जाए। उसके साथ साथ गाइस यहाँ पर जो है वो आपको अभी तक इस बाइक के अंदर सेल्फ स्टार्ट जैसी ऑप्शन नहीं दी गई, क्योंकि गाइस इस कैटेगरी की अगर आप दूसरी कंपनीज की बाइक्स देखते हैं 70cc कैटेगरी में भी और 100cc कैटेगरी में भी आपको काफ़ी हद तक अब काफ़ी बाइक्स में सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन दी जा रही है, लेकिन ये 22 बाइक है होंडा की जानिब से जिसमें आपको कोई सेल्फ स्टार्ट जैसी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सो गाइस सबसे पहले आपने मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप कौन सा नया कलर देखना चाहते हैं, क्योंकि गाइस मैंने प्रीवियसली भी जो वीडियोस बनाई थी पिछले साल उस पर भी मैंने कुछ कलर्स दिखाए थे और उससे पहले वाले साल में भी मैंने कुछ नए कलर्स दिखाए थे और उसके बाद हमने देखा कि कुछ कलर्स लॉन्च भी किए गए। अब ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी वीडियोज़ देख कर जो है वो कंपनी ने इन कलर्स को रिकमेंड किया और लॉन्च किए, लेकिन यह है कि ये वीडियो बनाने का ये सीरीज़ बनाने का मकसद यही होता है कि हम अपनी आवाज़ जो है वो कंपनी तक पहुँचा सकें। तो गाइस यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है कि कोई नया कलर 2022 के अंदर लॉन्च किया जाए। उसके साथ साथ सेल्फ स्टार्ट की भी एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं कि या तो सेपरेट मॉडल लॉन्च किया जाए सेल्फ स्टार्ट का 70 कैटेगरी में, या फिर जो है वो इसी मॉडल को अपग्रेड किया जाए। उसके साथ साथ गाइस यहाँ पर बात करें यहाँ पर डिजिटल मीटर की ऑप्शंस भी एक्सपेक्टेड हैं कि भाई 2022 में दी जाएँ। अब मॉडर्निज्म आ गया है, काफ़ी लोग जो है वो शिफ्ट हो गए हैं और आज के टाइम में लोग एक परफेक्ट बाइक चाहते हैं। तो यहाँ पर हम कंपनी से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई यहाँ पर डिजिटल ऑप्शंस इस बाइक में लॉन्च की जाएँ। क्या आप लोग चाहते हैं कि डिजिटल ऑप्शंस हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके साथ साथ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैं नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पर होंडा की बाइक्स के अंदर कि इंडिकेटर्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो यहाँ पर भाई कंपनी को चाहिए कि 2022 के अंदर इंडिकेटर चेंज करें और होप सो कि अब काफ़ी टाइम हो गया है कंपनी यहाँ पे अपने इंडिकेटर्स को अपग्रेड करे ताकि नए इंडिकेटर्स हों और एक नई लुक आपको प्रोवाइड की जाए और यहाँ पर फ्रंट की हेडलाइट में भी हैलोजिन बल्ब्स को ऐड किया जाए। तो इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि 2022 के अंदर इंडिकेटर पर या फिर हेडलाइट पर लाजमी वर्क किया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर हम बात करें उसके ओवरऑल डिज़ाइन पे, तो डिज़ाइन इसका काफ़ी डिसेंट है, एक अच्छा डिज़ाइन है 70cc कैटेगरी के अंदर। तो इसको भी होप्स हो यहाँ पर कंपनी जो है वो लाजमी इंप्रूव करेगी 2022 के अंदर, क्योंकि अब कंपटीशन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। बात करें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर को लेकर प्राइस को, प्राइस जो है यार वो हर साल कंपनी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है, इनके साल में 6 से 7 दफ़ा प्राइस इंक्रीज़ होती है जिसकी वजह से प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो लेकिन इस दफ़ा जो है वो हम कंपनी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर कोई कंपनी का नुमाइंदा हमारी बात सुन रहा है, भाई बंदों ने पैसे पे करने हैं, उनको एक अच्छी क्वालिटी चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग जो है यहाँ पर अपनी प्राइस को मेंटेन रखें। तो गाइस आप लोग क्या चाहते हैं कि इसकी 2022 मॉडल की क्या प्राइस हो, वो भी आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर कर सकते हैं। सो गाइस आप अपनी कोई भी ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप 2022 के सिटी ड्रीम में क्या अपग्रेडेशन या क्या नई चीज़ें देखना चाहते हैं लाजमी कमेंट में मेंशन कीजिएगा। हो सकता है कि कोई भी नुमाइंदा कंपनी का हमारी इस वीडियो को वॉच करे और वो कोशिश करे कि यार इनका अपग्रेडेशन को लाया जाए ताकि आवाम को यहाँ पर रिलीफ दिया जाए। और फाइनली अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करूँ तो मेरी ओपिनियन के हिसाब से यहाँ पर कंपनी को एक तो डिज़ाइन में इंप्रूव करना चाहिए, इसके इंडिकेटर और फ्रंट हैंड लाइट में भी इंप्रूव लेकर आना चाहिए और सेल्फ स्टार्ट बटन भी लाजमी लॉन्च करना चाहिए। उसके साथ साथ डिजिटल ऑप्शंस अगर दे दे तो वो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। बाकी गाइस आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, टेक केयर ऑफ यू, अल्लाह हाफिज़।